मांधाता विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी उत्तम पाल सिंह जब मुंदी से पुना से जा रहे थे, उस वक्त उदयपुरा के पास उनके कार्यक्रम में शामिल वाहन से एक 10 वर्षीय बालक कुचल गया। गंभीर चोट लग जाने से बालक की दुर्घटना में मौत हो गई। इस दुर्घटना में शामिल वाहन उत्तम पाल की मां और उनकी पत्नी द्वारा संचालित पुणे इंफ्रा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की है। गाड़ी का नंबर MP68CA0099 है। इस गाड़ी को मुंदी थाने में जाकर खड़ा किया गया है। घटना के बाद से क्षेत्र में राजनीति तेज हो गई है और तमाम आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी हो गया है। इस घटना की जानकारी मिलते ही मांधाता क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और पूर्व विधायक नारायण पटेल भी परिजनों से मिलने अस्पताल पहुंचे और इस पूरे मामले की जानकारी ली। वहीं दूसरी ओर उत्तम पाल सिंह के पिता एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता राजनारायण सिंह ने इस पूरी घटना को दुखद बताया है और अपनी तरफ से इस घटना में स्वयं आगे आने की बात कही है। मैं थाने इसलिए आया कि मेरे को ये जानकारी लगा कि हमारी जो कंपनी है उसकी गाड़ी से एक्सीडेंट पुनासा के पास हो गया, तो मैं इस पार्ट भी देखने गया तो वहाँ मेरे को कोई नहीं मिला। फिर पता ये लगाया कि उस जिसका एक्सीडेंट हुआ वो उसको वही गाड़ी बिठा के मुंदी थाने में लाई, और मुंदी थाने के बाद में वो गाड़ी जो है वहाँ से कोई डीजल भराने के लिए यहाँ पंप पे रहा, तो पंप पे जाके उसने खड़ी कर गई। तो मेरे को जब पता चला तो मैं थाने में स्पेशल इसलिए आया कि भाई जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ तो मैं खुद रिपोर्ट कराने के लिए आया, और मैंने SP साहब को भी टेलीफोन करा। क्यों कि गाड़ी तो ऐसी 100 मिल सकती है, लेकिन उसका लड़का चला गया वो ज़िंदगी में नहीं मिल सकता, उसकी कोई कीमत नहीं है, और वो भी आदिवासी और पहले मेरे गांव के बगल भलवाड़ा के रहने वाले। तो सबसे ज़्यादा तो मैं उसके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ, मुझे बहुत तकलीफ़ है और मेरे मन में उसके प्रति बहुत पीड़ा है। अब देखिए कानून कोई एक चीज़ ज़्यादातर लोग कोई चीज़ हमारी अपेक्षा है तो इस पूरे मामले में पीड़ित परिवार को इंसाफ ज़रूर मिलना चाहिए। गाड़ी थाने हर्ष उपाध्याय पुलिस न्यूज़ फर्स्ट खंडवा।